हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे एनल कैनाल की, उसी में हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल। मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल की बात करें यहाँ पे, तो मस्कुलेचर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो स्फिंक्टर की बात करेंगे, एनल स्फिंक्टर्स की। एक हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोर्ट की, और एक हम एनोरेक्टल रिंग की बात करेंगे। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनल कैनाल में। फिर से बोल रहा हूँ, एनल कैनाल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो एनल स्फिंक्टर्स जो हैं वो दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की बात मैंने रिलेशन में भी की थी कि एनल कैनाल को चारों तरफ से घेर के कौन रखता है, स्फिंक्टर मसल्स घेर के रखती हैं और उसको बंद रखती हैं, क्लोज रखती हैं उसके ल्यूमन को। अब हम बात करें तो दो स्फिंक्टर हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक इंटरनल स्फिंक्टर। इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, मतलब इंटरनल एनल स्फिंक्टर की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री हो गया। सेकेंड पॉइंट बात करें तो ये बना है मस्कुलर कोट ऑफ गट, जो गट की मसल है उसी से ये बना है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ये सराउंड करता है अपर 3/4, सिर्फ ऊपर का जो 30 mm है, मतलब अपर म्यूकस पार्ट और मिडल पार्ट को ही ये, मतलब उसी पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। नीचे जो 8 mm है ना, जो लोअर क्यूटेनियस पार्ट है, उसमें हमें इंटरनल एनल स्फिंक्टर देखने को नहीं मिलता। मतलब कहाँ तक मिलता है, हिल्टन्स लाइन। ऊपर से देखे तो हमने तीन हिस्सों में बांटा था ना, एक पेक्टिनेट लाइन थी और एक हिल्टन्स लाइन थी। पेक्टिनेट लाइन के ऊपर अपर म्यूकस पार्ट, बीच में मिडल पार्ट और नीचे लोअर पार्ट। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है। जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ये वॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, स्ट्रिएटेड मसल से बना हुआ है। स्ट्रिएटेड मतलब स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड कार्डियक और स्केलेटल होती है ना, तो कार्डियक मसल तो यहाँ पे होगी नहीं, तो स्केलेटल मसल होगी। और इसको सप्लाई करती हैं दो नर्व्स, एक होती है इन्फीरियर रेक्टल नर्व और एक होती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ द 4th sacral नर्व। इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द 4th sacral नर्व, फिर से बोल रहा हूँ, इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ 4th sacral नर्व, तो ये इसको सप्लाई करती है। वो प्रेजेंट था अपर 3/4 में, ये पूरी एनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, पूरी एनल कैनाल को सराउंड करता है, मतलब यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेजेंट है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके तीन पार्ट हैं, एक है सबक्यूटेनियस पार्ट, एक है सुपरफिशियल पार्ट और एक है डीप पार्ट। सबक्यूटेनियस पार्ट को हम लोअर पार्ट भी बोलते हैं, सुपरफिशियल पार्ट को मिडल पार्ट भी बोलते हैं और डीप पार्ट को हम अपर पार्ट भी बोलते हैं। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये डायग्राम है हमारा, येलो लाइन से नीचे एनल कैनाल प्रेजेंट है। इसके तीन पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट जो है ये अपर म्यूकस पार्ट, पेक्टिन बीच में हो गया, नीचे लोअर पार्ट। ऊपर से जो इनर जो सर्कुलर मसल थी, ये इनर सर्कुलर मसल है रेक्टम की, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है रेक्टम की। जो इनर सर्कुलर मसल है रेक्टम की, वो नीचे आके क्या बना रही है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। मैंने पीछे अभी पॉइंट बोला था कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर मस्कुलेचर जो है गट का जो मसल थी वहीं से बना था, तो ये बात यहाँ पे प्रूफ होगी, क्योंकि रेक्टम की जो इनर सर्कुलर मसल थी वो नीचे जाके क्या बना रही है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रही है। जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो खुद है, देखो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, खुद बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है। और इंटरनल स्फिंक्टर देखोगे तो वो यहाँ पे जाके खत्म हो गया इस लेवल पे आके, ये क्या थी, हिल्टन्स लाइन है, ये हिल्टन्स लाइन है। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर पूरी को कवर करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेजेंट है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर के तीन पार्ट्स मैंने बांटे थे, एक अपर पार्ट होगा, एक मिडल पार्ट होगा और एक ये लोअर पार्ट। जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस पार्ट, जस्ट स्किन के नीचे है इसलिए सबक्यूटेनियस पार्ट। तो ये हमने बात कर ली दोनों स्फिंक्टर के बारे में। अब मैं आपको एक और डायग्राम इसका दिखाता हूं, ये वाला डायग्राम, ये भी कोरोनल सेक्शन है, बस इसमें क्या है, हमने ये वाला हिस्सा हटा दिया है, इस वाले पार्ट को और अंदर तक हम देखने वाले हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम में। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, सब म्यूकोसा, उसके बाद इंटरनल एनल स्फिंक्टर आ जाएगा, पीछे ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, पूरी लेंथ को कवर कर रहा है, और बाहर की तरफ ये आ गई हमारी स्किन और ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन यहाँ पे इस लेवल पे लाई करती है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम में आपको एक चीज समझाने वाला हूं,
जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हमने क्या बोला था, कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल टेंडन, नहीं कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट बोला था हमने उसको। तो कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट क्या होता है, देखो यहां पे आपको एक मसल दिख रही होगी प्यूबोरेक्टेलिस। तो जो ये प्यूबोरेक्टेलिस है और ये जो ऊपर से जो आ रहा था ये क्या थी, सर्कुलर मसल थी और उसके उस तरफ क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मसल। देखो दो मसल थी ना, एक सर्कुलर मसल थी रेक्टम की, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल भी नीचे जा रही है। अब होता क्या है कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल आ रही है ऊपर से, जो मैंने ये सिंपल एक लाइन खींची हुई है ब्राउन कलर से, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल रेक्टम की। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ रेक्टम इस प्यूबोरेक्टेलिस के साथ मिलती है कहां पे, एनोरेक्टल जंक्शन पे। मतलब रेक्टम और एनल कैनाल के जंक्शन पे प्यूबोरेक्टेलिस और लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ रेक्टम मिलती है और क्या बना देती है, कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट बना देती है। ये नीचे जो आ रहा है ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट आ रहा है, देखो नीचे तक गया ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट। जैसे ही नीचे जाता है ये बन जाता है फाइब्रो इलास्टिक। पहले मस्कुलर था, मसल से बना हुआ था, नीचे जाके क्या बन गया, फाइब्रो इलास्टिक बन गया। अब ये जो है आगे जाके आप देखोगे तो ये ग्रीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो ये ग्रीन पार्ट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा। तो कॉन्जॉइंट जो लॉन्गिट्यूडनल कोट है वो बना किससे है, प्यूबोरेक्टेलिस और लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ रेक्टम से। कहां पे बना है, एनोरेक्टल जंक्शन पे। नीचे जाके क्या हो गया, फाइब्रो इलास्टिक हो गया और नीचे जाके डिवाइड हो गया कहां पे, हिल्टन्स लाइन के लेवल पे देखोगे तो ये डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा। तो ये जो है ये ग्रीन कलर में ये फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए इससे। अब हम इसको यहां पे देखते हैं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट की सारी बात मैं आपको बोल चुका हूं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्यूबोरेक्टेलिस एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ रेक्टम एट द एनोरेक्टल जंक्शन। इट गोज डाउनवर्ड एंड बिकम्स फाइब्रो इलास्टिक, ये भी मैंने बता दिया। हिल्टन्स लाइन के लेवल पे ये ब्रेकअप कर जाता है फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा के अंदर। ये फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा फैन की तरह निकल रही थी, देखो ऐसे ऊपर से जाके नीचे ये फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा फैन की तरह निकल रही थी, तो फैन वाइज निकलती है। पियर्स कर रही थी किसको, अब देखो ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। देखो तो इसका जो पार्ट स्किन के नीचे है उसे बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस पार्ट। तो जो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। तो सबक्यूटेनियस पार्ट को पियर्स कर देती है कौन, ये फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा। देखो ये ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल कोट आ रहा था, कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट, डिवाइड हो गया फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा में, पियर्स करता है सबक्यूटेनियस पार्ट को और जाके स्किन के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाता है। तो यही चीज यहां पे मैंने लिखी है, पियर्स करता है सबक्यूटेनियस पार्ट को एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के, अटैच कर जाता है स्किन के अराउंड, स्किन अराउंड द एनस पे जाके ये अटैच कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोरुगेटर क्यूटिस एनआई। क्या बोलते हैं इसको, कोरुगेटर क्यूटिस एनआई। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा है ग्रीन कलर में, इसकी जो सबसे लेटरल, ये है लेटरल साइड, इस तरफ है मीडियल साइड, तो जो सबसे लेटरल वाला फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा है वो बनाता है पेरी एनल फेशिया। क्या बना दिया इसने, पेरी एनल फेशिया। और सबसे मीडियल वाला जो है वो क्या बनाता है, इंट्रामस्कुलर सेप्टम। तो फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा का जो मोस्ट लेटरल वन है वो बनाता है पेरी एनल फेशिया, मोस्ट मीडियल वाला जो फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा है वो एनल इंटरमस्कुलर सेप्टम बनाता है, और कुछ फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा जो हैं वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर के थ्रू पास करके सब म्यूकोसा के अंदर जाके एंड करते हैं। देखो कुछ तो ये तो नीचे जाके फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा बने थे, कुछ सेप्टा देखो पहले ही निकल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट के अंदर से ही निकल रहे हैं। देखो ओब्लिकली इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके कहां जा रहे हैं, सब म्यूकोसा के अंदर। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, सब म्यूकोसा के अंदर चले जाते हैं कुछ जो है फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा है यहां पे। अब मस्कुलेचर में हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है एनोरेक्टल रिंग। अभी एनोरेक्टल रिंग को ना पहले हम समझते हैं। एनोरेक्टल रिंग एक मस्कुलर रिंग है, मतलब मसल से बनी हुई है, तीन चीजों से बनी हुई है। कहां बनती है एनोरेक्टल, मतलब कहां बनेगी, एनोरेक्टल जंक्शन पे बनेगी, मतलब एनल कैनाल और रेक्टम का जो जंक्शन हमने पढ़ा था शुरू में वहां पे बनेगी। अब एनोरेक्टल रिंग जो है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो ये बनती है प्यूबोरेक्टेलिस से,
एक बनती है अपर फाइबर्स, अपर मोस्ट फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और एक बनती है अपर मोस्ट फाइबर्स ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो हमारे पास दो एनल स्फिंक्टर थे, एक्सटर्नल और इंटरनल, उन दोनों के अपर मोस्ट फाइबर से बनती है और प्यूबोरेक्टेलिस, ये तीनों चीजें मिलके फ्यूज करके एक रिंग बना देती हैं, उसे हम बोलते हैं मस्कुलर रिंग और एनोरेक्टल रिंग। इसको हम इजीली फील कर सकते हैं एनल कैनाल एग्जामिनेशन, सर्जिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे इसको हम फील करते हैं एनल कैनाल के अंदर फिंगर डाल के, इजीली इसको एनोरेक्टल रिंग को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सर्जिकल अगर डिवीजन, मान लो ये रिंग सर्जरी के टाइम पे रिंग जो है किसी तरह से टूट गई, मान लो खराब रिंग को हमने डैमेज पहुंचाया, तो उसके जैसे हो जाता है रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। रेक्टल इनकॉन्टिनेंस को हम फीकल इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फीसिस हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जैसे डायरिया में फीसिस निकलते हैं उसी तरह से बिना लीक होने लग जाते हैं फीसिस रेक्टम एनल कैनाल के थ्रू। अब हमारे पास तीन स्पेसिस आते हैं इसके अंदर, तो एनल कैनाल के अंदर हम तीन स्पेसिस की बात करेंगे। इनको सर्जिकल स्पेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्पेसिस हैं तो ये फैट से फिल्ड होंगे, पूरी तरह फैट भरा होगा इनके अंदर। तीन स्पेस है, एक है इस्टियो एनल स्पेस या इस्टियो एनल फोसा, एक पेरी एनल स्पेस और एक सब म्यूकस स्पेस। इस्टियो एनल स्पेस या फोसा की बात हमने स्टार्टिंग में ही की थी। एनल कैनाल के दोनों तरफ लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, इस्टियो एनल फोसा या फिर स्पेस। पेरी एनल स्पेस क्या होता है, तो अभी हमने जो है डायग्राम में बात की थी कि जो फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा जो था सबसे लेटरल वाला, उसने बनाया पेरी एनल फेशिया। इस पेरी एनल फेशिया के नीचे और स्किन के ऊपर जो ये स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला स्पेस, इसे हम बोलते हैं पेरी एनल स्पेस। पेरी एनल स्पेस जो है सराउंड करता है एनल कैनाल को बिलो द हिल्टन्स लाइन। हिल्टन्स लाइन के नीचे की तरफ था, ये हिल्टन लाइन है ना, इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है पेरी एनल स्पेस। पेरी एनल स्पेस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पेरी एनल स्पेस में ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं, इनसे ये बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस। देखो दो वेनस प्लेक्सस हम देखेंगे, एक एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस और एक इंटरनल। ये बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, ये अंदर सब म्यूकोसा में लाया करता है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस। ठीक है, ये इंटरनल वेनस प्लेक्सस हो गया और ये बाहर वाला एक्सटर्नल हो गया। तो पेरी एनल स्पेस में लाए करता है एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, लोअर फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, मतलब जो उसका सब क्यूटेनियस पार्ट जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, वो भी यहाँ पे लाए कर रहा है, और टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ इन्फीरियर रेक्टल वेसल्स एंड नर्व्स। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी भी, वेन भी और नर्व भी, उसकी टर्मिनल ब्रांचेज यहाँ पे इसी पेरी एनल स्पेस में हमको मिलती हैं। एक और स्पेस होता है सब म्यूकस स्पेस। सब म्यूकस स्पेस कौन सा स्पेस है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और जो ये वाला इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, इसके बीच में जो ये स्पेस आप देख रहे हो पिंक कलर में, ये वाला स्पेस, इसे हम बोलते हैं सब म्यूकस स्पेस। तो सब म्यूकस स्पेस हिल्टन्स लाइन के ऊपर लाए करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में लाए करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला मैंने अभी वेनस प्लेक्सस बताया था ना, इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, तो इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस और लिम्फेटिक्स इसके अंदर लाए करती हैं। अब जो है ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इस वीडियो में पूरे मस्कुलेचर की जो है बात करी थी, ये वाला डायग्राम देखा था, कंजॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोर्ट की बात की थी, और उससे पहले हमने दोनों एनल स्फिंक्टर्स की हमने बात की थी। तो ये जो है सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एनल कैनाल में लिखने के लिए। और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, और मैंने पिछली वीडियो में आपको जो बोला था कि आप जो इसका डायसेक्शन की वीडियो जरूर देखना एनल कैनाल की, तो मैं फिर से बोलूंगा एक बार कि एनल कैनाल की डायसेक्शन की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे और इजीली आपको समझ आएगा। वो देखने के बाद आप अगर पढ़ोगे बुक को तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा इजीली। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी आर्टरी सप्लाई की, वेनस सप्लाई की और लिम्फेटिक ड्रेनेज की, और नर्व सप्लाई की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनल कैनाल को कंप्लीट कर देंगे, तब तक के लिए बाय बाय।